हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 एंड वी हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है इसमें आपके पास इक्वेशंस फॉर्म करनी है, देन आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पता ही होगा ना इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर द होल नंबर्स। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दीज आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4। 0 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है ना। अब आपको कॉन्सिक्यूटिव बताना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? एक के बाद जब दूसरा आता है, नेक्स्ट वन। जैसे 4, 5 कॉन्सिक्यूटिव है, 10, 11 कॉन्सिक्यूटिव है, 9, 10 कॉन्सिक्यूटिव है, 3, 4 कॉन्सिक्यूटिव है। तो जब अगर एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर x है तो दूसरा वाला क्या होगा? वी हैव टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ना। अगर एक एक्स है तो दूसरा एक ज़्यादा होगा ना, वन मोर होगा। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा हम हमेशा क्या लेते हैं? एक्स प्लस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। तो हमने ये लेट कर लिया। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, दे रखा है 306, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सब में क्वाड्रेटिक ही बनेगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वी हैव मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अभी फॉर दिस एक्सरसाइज यू कैन यूज ओनली मिड टर्म स्प्लिट, क्योंकि अभी मैंने आपको बाकी मेथड्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो वो अभी आने वाली कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आपके पास। तो हम 306 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, माइनस करके क्या आए? 1 आए। तो 306 के देखिए फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे हम। 306 2 से कर सकते हैं ना, 153 है ना। फिर हम किससे कर सकते हैं? 3 से 51। फिर अगेन हम 3 से कर सकते हैं 17। तो यू कैन सी दैट 2, 3 जा 6, 3 जा 18 वी गेट ना 18 एंड 17। सो 18 माइनस 17 से क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो हम यहाँ इस 1 की जगह पे क्या लग देंगे? 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नाउ विल टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड दिस रीग्रुपिंग। तो x इसमें से कॉमन है, x प्लस 18, और इनमें से क्या कॉमन है? माइनस 17x प्लस 18। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपके जो इंटीजर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो क्या आ जाएंगे? x माइनस 17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई? या तो 17 या फिर माइनस 18। बट यू कैन सी दैट कि वी हैव टेकन द पॉजिटिव इंटीजर, सो माइनस 18 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, है ना। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 17 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 यानी कि 18। सो द पॉजिटिव इंटीजर्स आ 17 एंड 18। सो दिस इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हैं इसको। बस आपको मिड टर्म स्प्लिट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो पक्का से आपको मिड टर्म स्प्लिट आ जाएगा। फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करूंगी। फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरे साथ क्लास 10th का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा होगा ना। अगर आपको मेरे साथ क्लास 10th का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।